I was too excited to hear this song और मैं सोच रहा था कि मैं इसको किस तरह करूँ, क्योंकि generally गाना तो club में हुआ है, तो अभी club में हुआ है तो मेरे को जाहिर सी बात है मुझे club में नहीं करना था, तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर club में करूँगा तो फिर वो एक ऐसे regular गाना बन जाएगा कि हाँ सात समुंदर है तो club में करूँ, तो मुझे उसको कुछ यू नो नया चीज़ देनी थी, बहुत सारी चीज़, तो मैं था कि आग और पानी ये सब सारे के सारे एलिमेंट उसको मिश्रण करूँ मैं उसके अंदर, और प्लस हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, मैडम की भी डेट्स कम थी, कुछ भी भाई साहब की भी डेट्स कम थी मैं तो फ्री था तो हम लोग सब ने एक सोचा कि एक दिन हम पूरा उसको यू नो सुबह से लगे हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फायर है इसमें पानी है, अभी पानी का बाकी है इन लोगों का एलिमेंट, इन लोगों को मैंने बोला सर्जरी की दवा का पैकेट लेके आ जाना तुम लोग, तो वो सारी चीज़ें थी, और दूसरी चीज़ म्यूज़िक जो है इसकी तो बहुत इतनी अच्छी अलग तरीके से बनाई है इसको, और यू नो बहुत एनर्जेटिक है, नयापन है म्यूज़िक में, और बहुत सारा उसका क्या बोलते हैं नया ग्रूवी पूरा नया है, तो आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग और पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, और उम्मीद है कि जो हमने इसको पूरा का पूरा प्लान किया है सबको पसंद आए, तो आई होप एवरीबॉडी विल लाइक इट। मिया, आप एक लिपस्टिक भी लगा के डाल देती हैं बवाल हो गया। Now this is something absolutely a different thing. Our problem is the thing. The way your fans respond, you know, their response normally is very positive. ये गाना करने के पीछे क्या वजह थी? What was your reaction? Don't you think as an individual, as an actress, the responsibility goes up? एनी डे यार, मतलब ये जब सॉन्ग मेरे पास आया था, एंड थैंक्स टू देम, आई रियली वांट टू थैंक मुद्दस सर एंड यावर फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस थिंग, परफॉर्मिंग ऑन एन आइकॉनिक सॉन्ग इन इटसेल्फ, सात समुंदर पार, उस लाइक मुद्दस सर सेड, इट्स एन आइकॉनिक वन, यू नो, एंड यू कैन नॉट अंडर परफॉर्म, यू कैन नॉट बी अ मीडियोकर इन दिस सॉन्ग, एंड आई एम सो इलेटेड टू बी हियर, आई एम सुपर डुपर हैप्पी टू बी परफॉर्मिंग ऑन दिस सॉन्ग, बिकॉज इट्स ए आई मीन आई एम जस्ट thrilled and it's so much fun, you know, uska hook step or uska everything is just very very catchy, and when it releases I'm sure it's going to just create some ripples, right? And yeah, there is a small story also, to wo bhi aap logo ko pata chalegi baad mein, kaafi achhi hai, ek choti si story bhi dali hai humne, experience working with yaar यार मेरा एक दिन का एक्सपीरियंस मैं नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज बहुत बहुत कम टाइम हमें मिला है, दो दिन रिहर्सल भी है उसमें, रिहर्सल भी है, बट वी हैव नॉट गॉटन टू नो ईच अदर, बट एज फार एज आई नो हिम, ही इज अ हार्ड वर्किंग गाय, एंड ही इज वेरी आई वुड से desperate to pick up things, you know, in a good way, you know, he wants to learn and he wants to perform very well, and I've seen him on camera, he's doing well, so I good luck for this one, yeah, thank you so much, so yeah. Mia, look, maybe there'll be a comparison with Divya Bhatt. Okay, kyunki un pe picturized hua tha gana, us bare mein aap kya kehte ho? Kuch nahi, matlab it's an honor again, you know, 90s ke jitne bhi songs the aur aaj ke jitne bhi songs hain, wo kabhi hum compare match nahi kar payenge, unki jo popularity hai, unka jo what do you call that, longevity hai, see we can say humne koshish kari hai, ab baad mein unki public ke hawale ke kis tarah humne mehnat kari hai, koshish kari hai, and I'm not trying to replace anybody, she was aur wo gana kitna cute perform kiya hai, it's cute, and this one is more of you know dancing and you know being more sensual about intense and so much of dancing, wo song bahut alag tha, ye song bahut alag hai, and I'm glad I'm doing this, it's a music video, that was a film song, film song, so right, aap kya kehna chahenge? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मुदस्सर भाई जब इस गाने को कर रहे हैं, तो मतलब मेरा सेकंड सॉन्ग है इनके साथ में, मुदस्सर भाई के साथ में, और फर्स्ट सॉन्ग हमने दुबई में किया है जो आने वाला है पोस्ट प्रोडक्शन पे, और ये जो सॉन्ग है इसके बारे में मैं बस इतना ही बताऊँ, कम टाइम के अंदर मुदस्सर भाई इतना अच्छा करके दिखा रहे हैं, और निया तो वेरी गुड, निया सब पूरी दुनिया जानती है निया को, तो और काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, और लगी भी इसके अंदर अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बहुत काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर, गुड लुकिंग। निया के साथ करने का काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑसम, सुपर, मतलब जो कहते हैं इनकी तारीफ में जितने वर्ड्स किए जाए उतने कम है, अभी डिक्शनरी में और अभी पेज बनना है, अभी तो और पेज बनना है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गुड क्वेश्चंस एंड थैंक यू।